नमस्कार आदाब। पब्लिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर आप सबके सामने बताने जा रहे हैं जो बेहद दिलचस्प। दोस्तों, ये खबर है भिवंडी के सांसद कपिल पाटिल, जो भाजपा के सांसद हैं कपिल पाटिल और भाजपा के विधायक किशन कथोरे जी हैं, उनके कार्यक्षेत्र की ये घटना है। अब जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि लोकसभा चुनाव सामने है और चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ गई है, आचार संहिता लग गया है, और इसी दौरान जो है नेताओं द्वारा और ख़ासकर भाजपा की तरफ से जगह जगह पर शुभारंभ के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, नारियल फोड़े जा रहे हैं, पब्लिक में ये दिखाया जा रहा है कि भाजपा बहुत काम करती है। उद्घाटन का दौर शुरू हो गया है। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि चुनाव जैसे ही आता है तो हर दल की तरफ से, तमाम दलों की तरफ से किसी भी काम को लेकर उद्घाटन शुरू हो जाता है, नारियल फोड़ना स्टार्ट हो जाता है, मगर काम वो होता नहीं है। इसलिए अब जनता होशियार हो चुकी है, जनता जाग चुकी है। तो हम एक घटना भिवंडी के एक गाँव की बता रहे हैं, जहां पर किशन कथोरे विधायक और सांसद जो कपिल पाटिल जी हैं, उनका बैनर लगा था और वहाँ पर उद्घाटन समारोह का कार्यक्रम था। उस पर जो है एक जो वहाँ पर भाजपा का वोटर है, उसने इस, हम जो आपको वीडियो दिखाएंगे उसमें आप देखना तो आपको पता चलेगा कि वो जो भड़क गया युवक उद्घाटन समारोह के दौरान, उसने ठेकेदार को घेर लिया और ये तक कहा कि यहाँ पर जो ये बैनर लगा है, ये बैनर हटाओ जल्दी से, क्योंकि यहाँ पर 2 करोड़ की निधि से मंजूर की गई एक काम जो हुआ था, उसमें 50 लाख का भी काम पूरा नहीं हुआ, पूरी तरह से ये घोटाला हुआ है। हम लोग शुरू से ही भाजपा के उम्मीदवारों को ही हमने वोट दिया है, मगर आज हमें शौचालय के लिए पानी नहीं मिलता है, ये कितना दुख की बात है। इसलिए अब इससे साफ समझ में आ रहा है कि भाजपा का जो है उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और जो भाजपा के जो समर्थक हैं, जो कट्टर समर्थक हैं, जो हिंदुत्व के नाम पर उन्हें वोट देते हैं, वो अब बिल्कुल भी बहक चुके हैं। वो हिंदू मुस्लिम, ये तमाम जो राम मंदिर के मुद्दे, ये पुलवामा के मैटर, ये अभिनंदन की रिहाई से लेकर जितने भी ड्रामेबाजी हुए हैं कि उसको लेकर जो है हिंदुत्व को जो बढ़ावा देने वाली बात है, हिंदुत्व के नाम पर जो ये वोट लेते हैं, वो सारी रणनीति भाजपा की फेल हो गई है, जो इस वीडियो में साफ साफ झलक रहा है कि एक भाजपा वोटर जो खुद ये इजहार कर रहा है कि हमने आज तक इन्हीं उम्मीदवारों के सिवा हमने किसी को भी वोट नहीं किया है, मगर आज हम साफ साफ बोल रहे हैं कि हमें पानी नहीं मिलता, ये वोटर का दर्द बयान कर रहा है वो। तो आइए दिखाते हैं इस वीडियो में कितना हंगामा हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो ठेकेदार है, उसको किस तरह से वो भड़का युवक घेर लेता है और किस तरह से उसको पानी नहीं मिलता, और तमाम रुदात, तमाम तकलीफें वो वीडियो में बयान हो रहा है। आइए देखते हैं वीडियो में क्या क्या हुआ। लेखी दे ना, लेखी लेखी दे, मैं तुला सांगते पीडब्ल्यू डी 2 कोटी 2 कोटी लोकांना पाणी नाही प्यायला आणि 2 कोटीचे रस्ते करतायत। मला पाणी पाहिजे हे पण काढ, बोर्डाचं पण काढ। 2 करोड रुपये 2 करोड रुपये यांनी मंजूर केलेत ना, किती केलेत? 2 करोड रुपये 50 लाखाचं तरी काम झाले का? दाखवून द्या म्हणा, चल दाखवून द्या, दाखवून द्या। इलेक्शन आहे 1 महिन्यात, हे वेगळं काम आहे। मला पाणी पाहिजे, मला रोडची मदत नाही, मला पाणी दे, पाणी पाहिजे मला। हा रस्ता केव्हा मंजूर झाला, त्याचा टेंडर केव्हा मंजूर झाला, ऐका 5 मिनिटं झालं नाही, मला बोला 5 मिनिटं म्हणजे आताच झालं, बोला तुला काय, तू खुर्ची बसून, असा खुर्ची बसून सांगतो की मी आलो, येतो माझ्या गाडीवरून, हे असं त्याच्याशी मग त्याला घर दाखवलंय माझ्या दोघांना, त्यांनी येऊन पाणी बघून गेले, एक बाजी तरी पाणी का घाण धुवायला, बोललो ना मी त्याला, बोललो घाण धुवायला पाणी का, अरे बोललं ना तू, नगरच्या वय कधी आले का एरियात? मत मागायला आला ते आज दिसतो मला बोर्डावर, उद्या इलेक्शन आहे म्हणून दिसू नको, चल जरा गेला दिसू नको, काय तुम्ही कुणाला कंप्लेंट करायची, कर कुणाला पाठवायची पाठवता, कधी आलाय मत मागायला आलाय त्याच्यानंतर आज उभा राहिला इथं, अण्णा कुठे, अण्णा कुठे, वहिनी कुठे? अरे घरच्या सारखे समजले, आजपर्यंत त्यांच्याशिवाय वोटिंग नाही केली मी, माझं मत उपवोट करतो, त्यांच्याशिवाय वोटिंग नाही केली मी कुणाला, पण मला पाणी भेटत ना, घाण धुवायला
एवढी तर अक्कल पाहिजे ना तुम्हाला, चल काय सांगतो मला। दोस्तों तो इसी तरह से समाज की अच्छी बुरी खबरों की सच्चाई हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिए पब्लिक चैनल।